हे गाइस, यू आर वाचिंग एन यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आगाह करता चलूँ कि तलबा के लिए खुशखबरी, मैट्रिक क्लास के प्रैक्टिकल नहीं होंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग का मैं मुकम्मल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम अपडेट्स जो भी हैं अब तक पहुंच सकें। आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर लीजिया करें, हर लम्हे के लम्हे उधर वहाँ पर न्यूज़ आती रहती हैं। तो जैसा कि ये न्यूज़ आई है तो अब आप लोगों के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि सर बता दें कि प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए अब आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन रीड करके बताता हूँ कि नोटिफिकेशन के अंदर जो नोटिफिकेशन आया है आप लोगों का, उसके अंदर क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इट वॉज अनएमिनसली डिसाइडेड बाई ऑल द मेम्बर्स दैट देर शुड बी नो प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर बोथ SSC एंड HSCC पार्ट टू फॉर द ईयर 2020 ओनली। वो कह रहे 2020 के अंदर आप लोगों के दहम क्लास के 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो नहीं होंगे। SSC 9 to 10 को कहते हैं, HSC 11वीं 12वीं को कहते हैं। अब आप लोगों को पता है 11वीं 12वीं का पेपर तो अभी होने हैं, तो अगर तो उन जो कल प्लान तीन बताए थे, तीन प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो कल अनाउंस किया गया था नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक अगर पेपर वगैरह होंगे तो इस बार जो इंटर के जो हैं प्रैक्टिकल्स वो भी नहीं होंगे। मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम शुड बी अवॉर्डेड। अब जो आप लोग मार्क्स वगैरह लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, प्रोपोर्शनेट टू द थ्योरी मार्क्स इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के आप लोग प्रैक्टिकल होंगे उस थ्योरी के मुताबिक आप लोग के प्रैक्टिकल में एग्जाम लग जाया करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछें। आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।